I gave you my heart. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आर्यन और जैसे कि आज आपने वीडियो में देखा था कि मैं आपको बताना चाहूँगा आप सायरन कैसे खरीदें और वो भी अच्छे क्वालिटी का। और आपको अगर आपने ये टिप्स साइकिल के लिए अपनी साइकिल के लिए सायरन खरीदने से पहले पढ़ ली या फिर देख ली तो गाइस अब मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप अच्छा सायरन खरीद पाएंगे। तो गाइस अब मैं सीधे आगे मिलता हूँ आपसे। यो गाइस वेलकम बैक। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूँ, आप एक लाउड सायरन लीजिए, बहुत लाउड भी नहीं पर 60 डेसिबल्स के बीच में वो लीजिए, उसकी साउंड 60 डेसिबल्स तक होनी चाहिए, इसके बीच में लीजिए। और अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप लाइट वाला भी ले सकते हैं पर वो आपको थोड़ा ज़्यादा चार्ज करेगा, यानी कि आपकी जेब थोड़ा ज़्यादा ढीली होगी और सायरन का इफेक्टिवनेस भी होगी, पर सायरन की इफेक्टिवनेस भी बहुत होगी। ठीक है गाइस, अगर आपको सिंपल सायरन लेना है तो आप सिंपल भी ले सकते हैं, लाइट के चक्कर में मत पड़िए। ठीक है गाइस, अगर आपको आपका लो बजट है तो आप सिंपल सायरन भी ले सकते हैं। तो गाइस मैं आपको अभी सायरन के मैं आपको बता दूं कि अगर आप ऑनलाइन सायरन खरीदेंगे पहले यूट्यूब में उस सायरन का नाम लिख के उसकी अनबॉक्सिंग वीडियो देख लीजिए किसी की भी, फिर आप उसकी साउंड सुन करके उस अगर आपको पसंद आता है तो आप उसको ले सकते हैं। ठीक है गाइस, तो मैं आपको ये सायरन रिकमेंड करूँगा। अभी आपके सामने उसकी फ़ोटो आएगी। तो गाइज अब मैं आपको कुछ लाउड सायरन की वो दिखाऊंगा। ठीक है गाइज, अब इस कैटेगरी में जो सायरन हैं वो 140 डेसिबल्स के बीच में आते हैं। ठीक है गाइज, ये रहा सायरन। तो गाइज अब मैं आपको एक मेन प्रोडक्ट बताऊंगा सायरन, ठीक है, जिसमें इंडिकेटर, सायरन, हॉर्न, लाइट सब कुछ एक साथ है, और वो भी कितने में वो आप आगे देखिए। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और जो मैंने टिप्स आपको बताई है अगर आपने उनका ध्यान रखते हुए या फिर इनमें से जो मैंने आपको सेलेक्टेड सायरन्स बताए इनमें से आप कोई सायरन खरीदेंगे तो बेसिकली आपका सायरन बहुत सेट होगा। डूड तो गाइस तब तक ले